आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन हमारे पास क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल्स पॉसिबल बिटवीन xm x बॉन्ड फॉर द कंपाउंड्स विद sp3d2 एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली आर उसने हमसे बोला है कि हमारे पास दो एक तरीके से हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जिनमें से एक की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एस पी है और एक की हाइब्रिडाइजेशन एस पी है और हमें बताना है कि इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में कितने 180 डिग्री एंगल्स पॉसिबल हैं बिटवीन एक्स एम वेयर एम इज योर सेंट्रल एटम एंड एक्स इज योर साइड एटम ठीक है देखिए उसने पहले केस में हमसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है sp3d2 थ्री डी टू बच्चे एस पी थ्री डी टू जो होती है उसके अंदर हमारे एक सेंट्रल एटम के साथ ठीक है बॉन्ड पेयर बने हुए होते हैं और जो इसकी आप ज्योमेट्री कह सकते हो या शेप कह सकते हो जो इसकी शेप या ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल स्क्वायर बाय पिरामिडल ठीक है इसी को हम ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल किस तरीके की होती है आप ये समझिए ये सपोज मेरा एक सेंट्रल एटम है ठीक है मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है उसके बाद बच्चा इस तरीके से स्क्वायर इक्वल मेरे पास फोर एटम्स जो होते हैं वो एकदम प्लेन में लगे हुए होते हैं ठीक है और टू एकदम ऐसे आउट ऑफ द प्लेन एंड इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आप यहां से समझ सकते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से इस तरीके से मेरे छह साइड एटम्स जुड़े हुए हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि इनमें से किसके अंदर कितने 180 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं जो उसने बोला था एक्से देखिए एक टू सेंट्रल एटम और फाइव के बीच में एक इनके बीच में बन रहा है 180 डिग्री एंगल एक सिक्स और थ्री के बीच में बन रहा है और एक वन और फोर के बीच में बन रहा है इस तरीके से हमारे बन रहे हैं देखो टू सी फाइव वन सी फोर एंड सिक्स C थ्री सी इज फॉर सेंट्रल एटम ठीक है तो इस तरीके से थ्री वन एटी डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं और तो कोई नहीं बन रहा है ठीक है तो sp3 d2 के, के केस में मेरे कितने बन रहे हैं तीन अब दूसरी हाइब्रिडाइजेशन उसने हमसे बोली है sp3 d ठीक है हम सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं sp3 d इस केस में क्या होता है हमारे पास एक सेंट्रल एटम से फाइव साइड एटम्स जुड़े हुए होते हैं फाइव पेयर होते हैं, ठीक है केस इसमें जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगनल बाय पिरामिडल ट्राइगनल बाय पिरामिडल, इसे हम लोग शॉर्ट में टीबीबीपी कहते हैं टीबीपी इसमें क्या होता है सपोज ये मेरे पास एक सेंट्रल एटम है मैंने ग्रीन कलर से शो करा है ठीक है उसके बाद तीन आपके इस तरीके से प्लेन में जुड़े हुए होते हैं एट वन ट्वेंटी डिग्री एंगल और दो आपके इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आउट ऑफ द प्लेन ठीक है एक इन वर्ड एंड यह आप यहां से समझ सकते हैं सपोज वन टू थ्री फोर फाइव तो ये जो टू फोर एट फाइव है ये इन प्लेन है और ये जो वन एंड थ्री है ये आउट ऑफ द प्लेन है तो इनके बीच में जो एंगल होता है बेटा ये वन ट्वेंटी डिग्री का होता है जो प्लेन में होता है ठीक है इस तरीके से वन ट्वेंटी डिग्री का और यहाँ पर ये नाइनटी डिग्री का एंगल होता है तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 180 डिग्री का एंगल कितने है? सिर्फ एक 1 3 ये वाला जो एंगल है इट इज ऑफ 180 डिग्री और कोई भी मेरे पास 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो sp3d में 1 तो 180 डिग्री के एंगल्स रिस्पेक्टिवली कितने होगा 3, 1 सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 3, 1 आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल थैंक्स अ क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर